नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफ़ी यूनिक स्टोरी वाली मूवी, जिसको देखने के बाद आप इस मूवी को देखने पे विवश हो जाओगे। तो बिना वक्त की बर्बादी करते हुए आइए सर्चिंग मूवी, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी, उसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक पिक्चर देखते हैं, जिसमें किम, उसकी वाइफ और उसकी बेटी मार्गोट को देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ हम किम और उसके भाई को बात करते हुए देखते हैं। उसका भाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होता है और वही दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि किम की बेटी मार्गोट जैसे जैसे बड़ी हो रही होती है, तो वो उसके वीडियोस बना बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, ताकि जब वो बड़ी हो जाए तो वो इन सभी मोमेंट को देख पाए। उसके बाद हम किम की वाइफ को देखते हैं, जिसे कैंसर हुआ होता है, और क्योंकि वो लास्ट स्टेज से गुजर रही होती है, इस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि अब मार्गोट के साथ सिर्फ उसके डैड किम है, जो कि उसकी देखभाल करेंगे। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और हम मार्गोट को उसके डैड के साथ देखते हैं, जो कि अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मार्गोट अब 10th स्टैंडर्ड में है। फिर कुछ देर बाद हम किम और उसकी बेटी मार्गोट को वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। यहाँ उसकी बेटी बताती है कि वो अपने फ्रेंड के घर जा रही है ग्रुप स्टडी करने, और वो इन्फॉर्म करके चली जाती है, और इसी के साथ सीन भी आगे बढ़ जाता है। और अब हम किम को देख पाते हैं, जो कि सो रहा है, और इसी समय उसको उसकी बेटी मार्गोट का कॉल आता है, लेकिन किम काफ़ी गहरी नींद में सो रहा है, इस वजह से कॉल पिक नहीं करता। अगली सुबह किम देखता है कि उसकी बेटी ने उसे कल रात 3 बार कॉल किया, बट वो उठाया नहीं, इसलिए वो काफ़ी बार मैसेज और कॉल करता है, लेकिन उसकी तरफ से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो काफ़ी डर जाता है और उसकी पियानो टीचर को कॉल करता है, बट यहाँ जो बात उसकी पियानो टीचर किम को बताती है, वो उसके लिए काफ़ी शॉकिंग होता है। टीचर किम को बताती है कि मार्गोट उसका क्लास कभी अटेंड नहीं की, और 6 महीने पहले उसने क्लासेस से अपना एडमिशन कैंसिल करवा रखा है। अब किम को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो अपने भाई से बात करता है, तो वो उसे बोलता है कि तुम उसके फ्रेंड्स को कॉल करके पूछो, बट किम के पास किसी भी फ्रेंड का नंबर ही नहीं था। फिर समय बीतने के बाद किम कंप्यूटर में डेटा चेक करता है, तो उसे फाइनली उसके कुछ फ्रेंड्स के नंबर मिलते हैं। फिर किम उस नंबर पर कॉल करता है, तो एक औरत कॉल उठाती है। वो उसे बताती है कि ये मेरे बेटे का नंबर है और वो मार्गोट के साथ ट्रैकिंग पे गया है। अब ये बात सुनते ही किम शांत हो जाता है और सोचता है कि पहाड़ी एरिया में नेटवर्क इशू होगा, तो वो अपनी बेटी से कल बात कर लेगा, और सोच के वो सो जाता है। फिर मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ किम को उसकी बेटी का कॉल अब तक नहीं आया, इसलिए वो परेशान होकर इसहाक, जो कि मार्गोट का फ्रेंड है, उसे कॉल करता है। लेकिन कॉल पे इसहाक ऐसे बोलता है जिसको सुनकर किम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। इसहाक बताता है कि मार्गोट तो उसके साथ ट्रैकिंग पे गई ही नहीं थी। ये बात सुनने के बाद वो पुलिस में मिसिंग कंप्लेन लिखवा देता है, और इस केस को हैंडल करती है रोजमैरी विक, जो कि काफ़ी फेमस डिटेक्टिव एजेंट है। रोजमैरी ने अपने लाइफ में काफ़ी केस सॉल्व किया है और उसे काफ़ी अवार्ड भी मिला है, सो इसलिए किम रोजमैरी को हायर करता है। उसके बाद रोजमैरी किम से मार्गोट की सारे इन्फॉर्मेशन लेती है और किम से कहती है कि वो मार्गोट के सारे फ्रेंड से कॉन्टैक्ट करे और जितना इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है निकाले। किम अब उसके सारे दोस्तों को कॉल करता है, लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। उसे ये भी मालूम पड़ता है कि उसका कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, सभी हाई हेलो वाले दोस्त हैं। थोड़ी देर बाद वो और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए उसके पेमेंट हिस्ट्री को चेक करता है, और उसे ये मालूम पड़ता है कि वो मंथली उसे पियानो क्लासेस के लिए जो फीस देता था, वो पैसा मार्गोट किसी अननोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करती थी, और जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करती थी वो अब डिसेबल है। ये बात किम को काफ़ी अजीब लगती है। इसके बाद किम अपनी बेटी मार्गोट का इंस्टाग्राम चेक कर रहा होता है, तो उसे पोस्ट पर एक लड़के का कमेंट दिखाई देता है, और फिर वो उसका नंबर निकाल कर उसे कॉन्टैक्ट करता है। वो लड़का किम से कॉल पर बोलता है कि जिस रात मार्गोट लापता हुई थी, वो उस रात जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट में था। किम को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी बीच उसे डिटेक्टिव रोजमैरी का कॉल आता है, और वो किम को बताती है कि तुम्हारी बेटी ने एक फेक आईडी बनवा रखी है, और सीसीटीवी फुटेज में हम देख सकते हैं कि मार्गोट कार में बैठकर सिटी से बाहर जा रही है। किम को ऐसा लग रहा होता है कि मार्गोट अपनी मर्जी से सिटी छोड़कर गई है। डिटेक्टिव रोजमैरी किम को बताती है कि उसकी बेटी शायद ड्रग्स की एडिक्टेड हो चुकी थी, इसलिए किसी ड्रग डीलर को पैसे ट्रांसफ़र करती थी, पर किम को इन सब बातों पर बिलीव नहीं होता। किम फिर से अपनी लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करता है, और कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि मार्गोट एक डेटिंग वेबसाइट यूज़ करती थी, और वो एक लड़की से रेगुलर बेसिस पर बात करती थी, और उसकी आईडी का नाम है फिश एंड चिप्स।
फिर किम ये सारी बात रोजमेरी को बताता है, तो वो बोलती है कि फिश एंड चिप्स नाम की एक लड़की है जो कि रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस है, और जिस रात मार्गोट गायब हुई थी वो उस रात अपनी जॉब पर थी, और वो बोलती है कि उसने उस रेस्टोरेंट के मैनेजर से कन्फर्म भी किया है वो लड़की उस रात वहीं थी। कुछ समय बीत जाते हैं, किम अपनी बेटी का लैपटॉप चेक ही कर रहा होता है कि उसे अचानक उसका टम्बलर अकाउंट दिखाई देता है। फिर वो उसे चेक करता है तो वहाँ उसे एक सिटी लेक की लोकेशन दिखाई देती है। ये वही लोकेशन है जहाँ मार्गोट हमेशा जाया करती थी। अब किम सीधा उस लोकेशन पे पहुँच जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मार्गोट ज़रूर यहीं मिल सकती है। वो लेक के पास आने के बाद डिटेक्टिव रोजमेरी को कॉल करता है बट वो रिसीव नहीं करती। फिर मॉर्निंग के 4 बजे डिटेक्टिव उसे कॉल करती है तो किम उसे बताता है कि उसको कार की कीचेन मिली है जो कि मार्गोट की हो सकती है। फिर तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला कि मार्गोट सिटी से बाहर जा चुकी है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम पुलिस को देखते हैं जो कि उस लेक में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है और उन्हें लेक में से मार्गोट का कार मिलता है बट मार्गोट नहीं मिलती। फिर वहाँ मीडिया वाले भी आ जाते हैं और किम सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट करता है कि जो भी मार्गोट के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन दे सकता है दे दे, और अगर किसी को भी दिखाई दे तो प्लीज़ तुरंत कॉन्टैक्ट करे। फिर जैसे ही ये न्यूज़ वायरल होती है मार्गोट को जो व्यक्ति कभी देखा नहीं था वो सब FB पे ऐसा पोस्ट कर रहे होते हैं जैसे कि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड हो, और एक लड़की तो यूट्यूब पे रोते हुए वीडियो भी पोस्ट करती है जबकि वो मार्गोट को अच्छे से जानती तक नहीं थी। ये सब वो केवल लाइक्स के लिए कर रही होती है। इसी बीच डेरिक नाम का एक लड़का मार्गोट के बारे में काफ़ी बुरा भला लिखता है तो किम उसे पंच मारकर उसका मुंह तोड़ देता है। अब सीन कुछ समय बाद का दिखाया जाता है और यहाँ उसे मार्गोट और उसके भाई की चैट मिलती है। उसे रीड करने के बाद किम को ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशंस है। फिर वो अपने भाई को बुलाता है और चैट में हो रही बातों को एक्सप्लेन करता है, और फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि वो दोनों नशीली सामान के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद हम TV में एक क्रिमिनल को देखते हैं जो कि कन्फेस करता है कि उसने पहले मार्गोट को सेक्सुअली अब्यूज किया और फिर मार दिया। कन्फेशन के बाद वो सुसाइड कर लेता है। ये खबर सुनते ही किम रोने लगता है तो उसका भाई उसे संभालता है। अगले दिन किम और सर्च करता है कि मार्गोट को किस रीज़न से मारा गया क्योंकि वो इस रीज़न से सेटिस्फाइड नहीं था। फिर उसे अचानक एक फ़ोटो मिलती है जिसमें रोजमेरी और वो क्रिमिनल साथ होते हैं जिसने मार्गोट को मारा था। ये सब बात वो पुलिस को बताता है और वो लोग रोजमेरी को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ रोजमेरी ये कन्फेस कर लेती है कि मार्गोट को रोजमेरी का बेटा रॉबर्ट ने मारा है। असल में रॉबर्ट मार्गोट को पसंद करता था और एक रात वो मार्गोट का पीछा करता है। फिर लेक के पास वो उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था बट वो उसे दूर भागने लगती है और रॉबर्ट गलती से उसे धक्का दे देता है और वो लेक में जा गिरती है। अब रॉबर्ट काफ़ी डर जाता है और अपनी माँ रोजमेरी को कॉल करता है क्योंकि वो एक डिटेक्टिव थी तो उसे ये अच्छे से पता था कि इस केस को कैसे दबाना है। फिर पुलिस वाले उस लेक के पास जाते हैं और इस बार उन्हें मार्गोट की बॉडी मिलती है, और जब उसे चेक करते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि लकीली वो जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।